हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में नया वैकेंसी आया है। हाँ दोस्तों, आज के व्लॉग में नया वैकेंसी आया है पेट्रोलियम के लिए। हाँ दोस्तों, ये कंट्री है कि कुवैत है, कुवैत में पेट्रोलियम कंपनी है, इसमें वैकेंसी निकल के आया है। बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं, बहुत लोग मेरे को पर्सनल से जानते हैं, वो लोग भी बोलते हैं, बहुत लोग मेरे को फेसबुक और इंस्टा एंड ऐसे नीचे कमेंट भी करते हैं कि भाई आप कभी भी पेट्रोलियम जॉब्स के क्यों प्रमोट करते हो, पेट्रोलियम जॉब्स की क्या फ़ायदा है, पेट्रोलियम जॉब्स के लिए क्यों तुम इतना इसके पीछे पड़ के रहते हो बोल के। हाँ दोस्तों, सब लोग सही बोला था, मैं पेट्रोलियम जॉब्स के लिए पीछे पड़ा रहता हूँ, पेट्रोलियम जॉब्स के लिए मैं सर्च करता रहता हूँ। क्यों बोलेगा तो आप ही बताओ दोस्तों, जिसके पास प्लस टू है। हाँ दोस्तों, इंटरमीडिएट पास आउट होने के बाद कोई बंदा इंडिया में हो, गल्फ में हो, आपको 55,000 इंडियन करेंसी देता है क्या? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आपको कोई कंपनी होगा, कोई भी कंट्री होगा, आपको फ्रेशर को 55,000 सैलरी देती है क्या? कोई भी नहीं देती दोस्तों। इसलिए मैं पेट्रोलियम जॉब स्पेशली इसलिए बोलता हूँ। क्यों बोलेगा तो इस पेट्रोलियम जॉब में आपको फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, जो कोई बंदा हो जो ज़्यादा पढ़ लिख के नहीं है, प्लस टू और पास हो, उन लोग 55,000 ईजिली कमा सकते हैं इस पेट्रोल पम्प पर। इसीलिए मैं पेट्रोल पंप पे जॉब के लिए पड़ा रहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेट्रोलियम जॉब प्रमोट करने से मेरे को कुछ आ जाता है, आपको कुछ चल जाता है बोल के नहीं है। मेरे को कुछ आन दो नहीं आन दो, मेरा ख्वाहिश यही है, मेरी विश यही है कि जो कोई मेरे बंदा है, जो कोई मेरे सब्सक्राइबर है, जो कोई मेरा ब्लॉग देखता है, उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिले, कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, कुछ ना कुछ उनको इम्प्रूव करने के लिए चांस मिले फ्यूचर में बोल के मैं रिसर्च करके सर्च करके पेट्रोलियम जॉब आपके लिए लेके आता हूँ दोस्तों। चलो बताता हूँ एक एक करके कौन सी कैटेगरी है, क्या है बोल के, ऐसे ही कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता देता हूँ एक एक करके। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, टर्न द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल करके प्रेस करो, जो भी मेरे चैनल से नया वीडियो आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले नोटिस, हाँ दोस्तों, वार्निंग देना चाहता हूँ, जो कोई बंदा, जो कोई कंसल्टेंसी आपसे एडवांस से पैसे और एडवांस से अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हाँ दोस्तों, इफ एनी कंसल्टेंसी आस्किंग मनी एंड आल्सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिफोर इंटरव्यू, यू शुड डिड नॉट गिव टू एनी वन, एनी कंसल्टेंसी, एनी एजेंट टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड आल्सो मनी बिफोर इंटरव्यू। ओके, अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। जो कोई बंदा होगा, जो कोई भी कंसल्टेंसी होगा, आपको इंटरव्यू से पहले अपना कुछ भी पैसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने का, ये बात क्लियर कर लो, अपने आप में जहन में बिठा लो, उसके बाद आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलो देखते हैं कौन से कैटेगरीज। हाँ दोस्तों, आज का रिक्वायरमेंट निकल गया है कुवैत के लिए, कुवैत में पेट्रोलियम कंपनी है, इसका रिक्वायरमेंट निकल गया है। एक एक करके बताएगा, सैलरी बताएगा और क्वांटिटी बताएगा, कितने लोग चाहिए वो ही बताएगा। फर्स्ट कैटेगरी है पेट्रोल स्टेशन सुपरवाइजर। हाँ दोस्तों, फर्स्ट कैटेगरी है पेट्रोल पंप सुपरवाइजर, जो बड़ा पेट्रोल पंप रहता है उसको सुपरवाइजर चाहिए। इन लोगों को चाहिए 25 मेंबर्स चाहिए, इसकी सैलरी 150, हाँ दोस्तों, तकरीबन हो जाता है आपको 30,000 आसपास में आपको हो जाता है। और नेक्स्ट कैटेगरी है पेट्रोल पंप फोरमैन। हाँ दोस्तों, जो पेट्रोल पंप रहता है उसके लिए फोरमैन चाहिए, इसकी कैटेगरी है 25 लोग चाहिए, इसकी सैलरी भी सेम है 150 KD, यह इंडियन करेंसी 30,000 हो जाता है अप्रॉक्सिमेटली। नेक्स्ट कैटेगरी है पेट्रोल पंप ऑफिसर। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी पेट्रोल पंप ऑफिसर चाहिए, इसमें 25 मेंबर्स चाहिए, इसकी सैलरी 150 KD 150 दिनार, इंडियन करेंसी 30,000 अप्रॉक्सिमेटली हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है कार वॉशर ऑफिसर। हाँ दोस्तों, जो कार रहते ना पार्किंग में जो वॉश कराने जाते हैं उसका ऑफिसर, उसको इंचार्ज चाहिए, और इसमें चाहिए 20 मेंबर्स। हाँ दोस्तों, इसके लिए चाहिए 20 मेंबर्स चाहिए, इसकी सैलरी 140 KD, मतलब इंडियन करेंसी हो जाता है आपको 28,000 और 30,000 अप्रॉक्सिमेटली, ये भी हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है कार वॉशर फोरमैन। हाँ दोस्तों, कार वॉशर फोरमैन के लिए वैकेंसी निकला है, इसकी सैलरी है 140 KD, इंडियन करेंसी अप्रॉक्सिमेटली हो जाता है आपको 28,000 और 26,000 अप्रॉक्सिमेटली हो जाता है। इसमें चाहिए 20 मेंबर्स। हाँ दोस्तों, इसमें चाहिए 20 लोग चाहिए। एंड नेक्स्ट कैटेगरी आता है कार वॉशर। हाँ दोस्तों, कार वॉशर की वैकेंसी है, इसमें चाहिए 100 मेंबर्स, ये लार्ज मेंबर्स है, 100 लोग चाहिए इन लोगों को कार वॉशिंग के लिए, इसकी सैलरी है 110
हाँ दोस्तों 110 केडी इंडियन करेंसी अप्रॉक्सिमेटली आपको 22,000 to 24,000 हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाता है पेट्रोल फिलर, पेट्रोल पंप अटेंडर, दोनों एक ही है दोस्तों। और इसकी सैलरी बात करेंगे तो 110 केडी इंडियन करेंसी में अप्रॉक्सिमेटली 22,000 to 24,000 हो जाता है। वे सब क्लियर है। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 12th पास होना चाहिए। जो पेट्रोल फिलर, जो पेट्रोल स्टेशन बताया, उसको 10th पास होके रहना चाहिए। सब कैटेगरी ECNR पासपोर्ट ही चाहिए। और कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन बताने से पहले आप सभी को एक डाउट आया होगा, मैं बोला 50,000, आप बोले 30,000 to 28,000, ऐसी सैलरी इधर 50,000 किधर है बोल के। उसी बात पे आता हूँ। आपको टिप्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड आल्सो वो टाइम दिया जाएगा, आपको इंसेंटिव्स आएंगे। ये सब कुछ मिला लिया तो दोस्तों आपको इंडियन करेंसी 55,000 इजी अर्न कर पाएंगे इस वैकेंसी में। और आपको कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, इसमें फ्री फूड दे रही है, फ्री अकोमोडेशन दे रही है, फ्री ट्रांसपोर्ट दे रही है, फ्री मेडिकल दे रही है, जो भी कोविड का ला आता आपको दिया जाएगा। और इस जॉब के लिए स्पेशली अप्लाई करने के लिए आपको एक्सपीरियंस बंदा भी चलेगा, फ्रेशर भी चलेगा, जो भी। हाँ दोस्तों, यही वैकेंसी से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है, क्या है बोल के। जो कैटेगरी आपको सूटेबल है, जो कैटेगरी में आपको एक्सपीरियंस है, उसका नीट से क्लियर से एक CV प्रिपेयर करना है। एंड आल्सो आपके पासपोर्ट कॉपी फ्रंट एंड बैक, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड, और आपका एक्सपीरियंस लेटर एंड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स सब कुछ अटैच करके 1 PDF फाइल बना के, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी देखे एंड आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा ईमेल आईडी, उस पर फॉरवर्ड करना है। आप फॉरवर्ड करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको एक एक करके इंटरव्यू कॉल आएंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। बहुत सारे लोग मेरे को ये भी पूछते रहते हैं कि भाई मेरे को मैंने फॉरवर्ड कर दिया, मेरे को कॉल नहीं आया, भाई कंसल्टेंसी फ़ोन कर रहा हूँ नहीं लिफ्ट कर रहे। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप एक ही नहीं है CV सेंड करने वाले, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं, वो सब लोग इस कंसल्टेंसी को CV फॉरवर्ड करते, वो एक एक करके किसको आंसर देंगे। आपका काम यही है कि आपके नीड से CV बनाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स सब अटैच करो, मेल करो। जब वो मेल करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो खुद कॉल बैक करेंगे, खुद आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन बताएंगे, खुद आपको इंटरव्यू डेट बताएंगे। तब आपके इंटरव्यू होने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, वीज़ा एंड आल्सो मेडिकल और टिकट, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्टार्ट होता है। और क्लियर से जाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा कि इंटरव्यू पैटर्न कैसा रहता है, इंटरव्यू पैटर्न पास होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद कंसल्टेंसी का काम कैसा रहता है बोल के नीचे क्लियर से एक वीडियो बना के आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, जाके वॉचआउट कर सकते हैं। और जो कोई मेरे से पर्सनल से बात करना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज एंड आल्सो इंस्टाग्राम लिंक दे देगा, जाके क्लिक करो, फॉलो करो और मैसेज करो। आपके मैसेज का रिप्लाई देने के लिए बहुत जल्दी कोशिश करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। और बहुत सारे लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको हेल्प मिल जाएगा, ये ब्लॉग उनको शेयर करो, उनको पता चल जाएगा कि कैसे इंटरव्यू देके, कैसा इंटरव्यू सेलेक्ट होके जेन्यून वे से जा सकते हैं गलत बोल के। आपको क्लियर से मिल जाएगा मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग पे। दोस्तों इस ब्लॉग पे, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।